इसलिए शिव गुरु कहीं और नहीं है, शिव गुरु हवा में है, कणकण में है। जिस दिन शिव गुरु हमारे शरीर से निकल जाएंगे, छोड़ देंगे, उस दिन हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जो भी धरती के मानव हैं या जीव जंतु हैं, सब में शिव है। और उस शिव को हम लोग जगह जगह महादेव कहते हैं, अपना अंदर में जगाते हैं कि हमारे अंदर में भी जागिए। जो हमारे अंदर में शिव जी हैं वो जागिए, इसलिए हम लोग जगह जगह महादेव कहते हैं। शिव जी वो सोए थोड़े हैं, हमारे अंदर का शिव जो है वो सोए हुए हैं। अब इस शिव को जगाने के लिए हम लोग जगह जगह महादेव कह के जगाने का प्रयास करते हैं कि अंदर का शिव जागे, शिव की ओर जाए, हमारा मन विचार जाए। और जब तक हमारा मन विचार शिव की ओर नहीं जाएगा, तब तक दया भी नहीं मिलता है। और शिव जीव मेरा मन जो है शिव की ओर जब जाता है तभी दया मिलता है, मन यदि ना जाए तो दया नहीं मिलेगा। तो मन को शिव की ओर ले जाने के लिए तीन काम दिया गया है, वही तीन काम के माध्यम से हम शिव की ओर जा सकते हैं। पहला काम जो दिया गया है दया मांगना, मन ही मन, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। जब हम दया मांगते हैं तो हमारा मन शिव के पास चला जाता है, तब दया मिलता है। कहीं और चला गया तो दया नहीं मिलता है। हम दया मांगने बैठे हुए हैं, हमारा मन कहीं चला और चला गया तो दया नहीं मिलेगा, बेकार में बैठे हुए हैं। और जब दया मिल रहा है तो आदमी उठ भी नहीं सकता है। जिस प्रकार भगवान में जो रम जाता है उसको कहिएगा कि यहां से चले जाओ तो आदमी जाएगा नहीं, उसी प्रकार जब हमारा मन को आराम मिलता है, शांति मिलता है शिव गुरु की दया मांगने से, यदि शिव गुरु का दया मिल रहा है, हमको आराम मिल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, उस वक्त आप सोचिएगा कि हम नहीं अभी उठेंगे, कोई मतलब नहीं है, हम शिव गुरु से दया मांग रहे हैं। सुख का अनुभव करेंगे, ऐसे हमारे शिव गुरु हैं जो आज भी दया करते हैं और कर रहे हैं। इसके लिए यदि हमारा मन शिव में नहीं लगता है, इसके लिए दूसरा काम दिया गया है। यदि आपको दया में मन ना लगे तो आप दूसरा काम कीजिए,